On the front page of Indian Express, it says, I quote, police say to the court, those held are part of an anti-fascist plot to overthrow the government. Which means, of course, that the police are admitting that we have a fascist government, and so we can only overthrow it with an anti-fascist plot. हमले होते हैं और जिनके खिलाफ हमले हुए, जिनके ऊपर हमले किए गए उन्हीं के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया जाता है। जिन लोगों ने हमला किया उनको खुली छूट मिल जाती है। To belong to a minority is a crime. To be murdered is a crime. To be lynched is a crime. To be poor is a crime. To defend the poor is to plot to overthrow the government. भीमा कोरे गांव में हर साल एक दलित मार्च होता है, उसके ऊपर अटैक किया गया और अटैक में जो पहली FIR है जो 2 जनवरी को दर्ज करी गई उसमें सीधा सीधा सामाजिक भिड़े जिनको मोदी जी अपना गुरु कहते हैं और दूसरा मिलिंद एकबोटे, इन दोनों के जो हिंदुत्ववादी संगठन है इनके नाम है, इन लोगों ने अटैक करवाया। मिलिंद एकबोटे को थोड़ी सी देर के लिए अरेस्ट करके उनको बेल दिलवा दी जाती है और उसके बाद इस FIR का इन्वेस्टिगेशन को भुला दिया जाता है। फिर 6 तारीख को दूसरा FIR रजिस्टर किया जाता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव मार्च जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उन लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए, गाने गाए और लगता है कि कोई माओवादी संगठनों से इनका कोई कनेक्शन है, इनको कोई इससे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, ऐसी FIR रजिस्टर कर जाती है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, फांसीवाद और गुजरात मर्डर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इन गिरफ्तारियों में से निकल कर आता है। सारे वो लोग जो संघ परिवार और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ न केवल पिछले 4.5 साल से लेकिन दशकों से लड़ते आए, जो सचमुच इस मुल्क को एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, जो सचमुच दलित माइनॉरिटीज किसान और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो सचमुच 2019 में इस संघीय भाजपाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं, उनको टेररिज किया जाए, ये सबसे बड़ा सबसे पहला उनका अटेम्प्ट। वो अंबेडकरवाद के ऊपर या दलित आंदोलन के ऊपर नक्सलवाद का थप्पा लगाकर पूरी दलित मूवमेंट को, उभरते हुए दलित आंदोलन को, दलित एसोसिएशन को एक तरह से डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। लेकिन कैसे भूले कि सचमुच ऊना में दलितों का चमड़ा उजड़ा गया, सचमुच चंद्रशेखर आजाद रावल को पिछले 1 साल से जेल में डाल दिया गया है, सहारनपुर में घर जलाए गए, एट्रोसिटी के कानून को डिस्टोर्ट किया, संविधान को डिस्टोर्ट करना चाहते हैं, आज भी लोग गटर में उतर कर मर रहे हैं। पहले तो आप दलित को, माइनॉरिटीज को, आदिवासियों को मारेंगे, फिर जो लोग उनके हक के लिए खड़े होंगे उनको अर्बन नक्सल करके कहके अरेस्ट कर लेंगे। और ये अर्बन नक्सल शब्द है क्या? अर्बन नक्सल कहां से आया पता नहीं, ये काइन ए वन वर्ड एंड मेक अस एंड ब्रांड एंड बिलीव एवरीबॉडी टू दैट एंड मेक द पीपल टू डिवाइड, आर यू अर्बन नक्सल और नॉट, ओनली टू डिविजन, बिफोर दैट भक्ति देशभक्ति देशद्रोही, दे मेक ऑल दी दो टुकड़ा टुकड़ा करने वाला का ये सरकार का एक नीति हो रहा है, इसका खिलाफ हम लोग सारे ये होना चाहिए। भाजपा के मंत्री रामदास अठावले खुलकर ये कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में न केवल जिग्नेश, यलगार परिषद के आयोजकों में से कोई भी नक्सलवादी मूवमेंट के साथ जुड़ा नहीं, तो सवाल ये वाई वी आर फेसिंग द FIR। सरकार के षड्यंत्र में से धीरे से मोदी जी के लिए कैसे सिंपथी निकाली है, ये भी उनका अटेम्प्ट है। और इसीलिए बीच में ये मुद्दा ला रहे, घुसेड़ रहे कि मोदी जी को मारने के लिए आ रहे हैं। दिस सो कॉल्ड माओइस्ट प्लॉट टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नथिंग बट अ प्लॉट डिजाइंड एंड आर्टिकुलेटेड बाय द महाराष्ट्र पुलिस अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मोदी एंड अमित शाह ओनली टू जनरेट सिंपथी फॉर नरेंद्र मोदी बिफोर 2019। बिल्कुल उसी प्रकार का पैटर्न हमने गुजरात में देखा था 2003, 4, 5, 6, 7 साल तक, जब तक एपेक्स कोर्ट ने
सारे एनकाउंटर्स को फर्जी डिक्लेयर किए नहीं तब तक हर साल कोई जिहादी मोदी जी को मारने आता था और अब ये थप्पा लगा रहे नक्सलवाद के ऊपर। हमें पता है कि डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन आते हैं तब हिंसा बढ़ती है। डिवाइड एंड रूल तो बहुत पुराना एक तरीका है, बट नाउ इट्स डाइवर्ट एंड रूल। तो बिना फिजूल के इस मुल्क की जनता 2 करोड़ रोजगार, जो रियल कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यू है, उसको भूल जाए। जीएसटी और नोटबंदी के चलते जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसको भूल जाए। किसानों की आत्महत्या भूल जाए। किसानों को न्यूनतम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता ये भूल जाए। महंगाई भूल जाए। राफेल के सौदे में हुई डील भूल जाए। ये असली कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यू से ध्यान भटका कर फांसीवाद का ये फीचर है कि कृत्रिम एनिमी को खड़ा करो। और इसीलिए मेरा साफ तौर पर मानना है कि दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों की सरकार, दोनों की पुलिस ने मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है। लेकिन हम लोग टेररिस्ट होंगे नहीं। यदि सरकार हमको टेररिस्ट करना चाहती है तो हम खुलकर कहेंगे इस 5 सितंबर को पूरे मुल्क में सारे दलित, सारे आंदोलन के लिए साथ में मिलकर जगह जगह पर रैलियां करेंगे, धरना करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और सड़कों पर 5 सितंबर को निकलेंगे ही। We the people, we have to really come together and we have to save the democracy, constitution, the rights of the everybody. When the persons arrested or something, they handle a kind of a thing. They have to establish that I am a professor, I am so good, I have so many degrees, so you cannot. Of course it isn't true. What about the ordinary citizen? In Bastar pe hoga, Chhattisgarh pe hoga, Odisha pe hoga, kahin bhi hoga, ek citizen ka sthiti kya hai? डिग्री दिखाओ। मेरा पास भी डिग्री नहीं है ऐसा। तो मतलब मैं देशद्रोही होते हैं? क्या पुलिस का पावर टू कमांड है? We have to understand this is not the way to the state to run। कि कई बार ऐसा होता है जब धीरे 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 एस्केलेशन होता है फांसीवाद की तरफ और धीरे धीरे करके सारे मानव अधिकार खत्म किए जाते हैं और लोकतंत्र का धला घोटा जाता है तो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। इमरजेंसी लगाई गई, एक दिन लगाई गई, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो एक झटका था। ये बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है और बहुत बहुत मायने में उस इमरजेंसी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज पूरी सभ्यता, मानव अधिकार, संविधान, लोकतंत्र सब दांव पर लगा हुआ है। अगर हम लोग सब उठकर उसके खिलाफ, ये जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए तो सब कुछ खत्म हो जाए।